भाई हमारी इंडियन स्ट्रीमिंग कम्युनिटी ना एकदम से हाइप पे आ गई है क्योंकि हमारा बगमी आ चुका है, हमारा पबजी रीनेम होके बीजीएमआई होके आ चुका है इंडिया में। तो जब स्ट्रीमिंग करनी है तो स्ट्रीमिंग माइक की रिक्वायरमेंट होगी। आज करेंगे सबसे सस्ते कंडेंसर माइक का रिव्यू जो हमारे पास आता है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से, ZEB क्लैरिटी। ये 700-800 रुपए का माइक है और ये कंडेंसर माइक है। मेरे को तो बाद में पता चला, पहले मेरे को लगा नॉर्मल माइक होगा, फिर मैंने स्पेसिफिकेशन देखी, ये कंडेंसर माइक है। तो करते हैं इसका रिव्यू, बताऊंगा आपको लेना चाहिए नहीं, क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं और पूरा मतलब एकदम निचोड़ निकाल देंगे वीडियो में। पहली बार आया चैनल पे तो सब्सक्राइब बाद में करना वीडियो जब खत्म होगी ना, और जो पहले से है ना बेटा लाइक मार दो वीडियो को, अच्छी बात है भाई के लिए लाइक, और जो नए हैं वो लाइक एंड में मारना अगर वीडियो पसंद आएगी। तो ऐसा बॉक्स हमारा आता है, ये हमारा माइक बना है और यहाँ पे इसका मॉडल वॉडल लिखा है और की हाईलाइट्स लिखे हैं, और सिमिलरली ऐसे पीछे भी कुछ की हाईलाइट्स लिखे हैं। तो फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये निकल गया है हमारा माइक और इसका जो हेड है वो प्रॉपर एडजस्टेबल है और यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसबी वाला माइक है ये। और जो इसकी वायर क्वालिटी है ना यार, वायर क्वालिटी मेरे को ठीक ठीक लगी, मतलब एवरेज ही कहेंगे। पतली सी रबर वायर दी है इसके अंदर इन्होंने, कोई ब्रेडेड वायर नहीं है। बाकी चलो कोई नहीं, अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो वायर में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी टेबल पर रखा जाना है, कोई लेके उधर तो घूमना नहीं है जो वायर का इतना ज्यादा सोचेंगे। और बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, फुल पेपर बचाया जा रहा है। ज़ेब्रोनिक्स बहुत सही काम कर रहे हैं भाई, पूरा पेपर बचाओ और पेड़ बचा लो, जीवन बचा लो, ऑक्सीजन की वैसी बड़ी कमी चल रही थी, समझ रहे हो ना। तो इसका जो बेस है ये वाला, ये प्लास्टिक का है, यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है और यहाँ पे माइक ऑन ऑफ स्विच है, वो भी हम आगे चेक करेंगे। और जो इसकी मिडल नेक है ये मेटल की है और फुली फ्लेक्सिबल है, आप जिस तरह माइक को एडजस्ट कर दोगे वैसे एडजस्ट हो जाएगा। और इससे कुछ याद आया तुम्हारे को, कॉस्मिक बाइट एलियन का रिव्यू किया था ये, तो फिर भी चलो दिखने में अच्छा है। कॉस्मिक बाइट एलियन का रिव्यू जिसने देखा ना, वो भी माइक है 500 रुपए का, वो 3.5 mm जैक वाला है, उसका रिव्यू है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई कार्ड में भी। इसके बाद वो जरूर देख लेना, मैं बता रहा हूँ, हंसी भी आएगी और बाकी माइक तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये ज्यादा बेटर है वो वाला, ये देख लो भी पहले। और पीछे यहाँ मॉडल वॉडल लिखा है और यहाँ पे इस पे ग्रिप्स बनी है जो आपके टेबल पे अगर आप रखोगे ना इसको तो ये खिसकेगा नहीं। और टॉप से जो माइक हेड है इसका, ये प्लास्टिक का है और यहाँ पे इसका माइक का इनपुट है, बाकी पूरा कवर्ड है ये। वैसे ओमनी डायरेक्शनल माइक है तो मतलब हर तरफ से रिकॉर्ड कर लेता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम टेस्ट में बिलीव करते हैं तो टेस्टिंग करेंगे इसकी। बाकी जो इसकी वायर की लेंथ है ना, बॉक्स पे तो लिखी नहीं है बट मुझे 2 मीटर लग रही है, 2 मीटर की वायर है तो ठीक है, आराम से आप टेबल पे रखोगे, पीछे लगाओगे पीसी के अपने लैपटॉप के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा। तो माइक के केस में खास कुछ ज्यादा होता नहीं है, सीधा इसका टेस्ट करते हैं लगा के पीसी के साथ और इसका वॉइस क्वालिटी टेस्ट करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा नॉइज का इशू है जो आपको भी पता चल जाएगा, और जो ऑलरेडी ऑन कर रहे हैं ना उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप इसकी नॉइज को रिड्यूस कर सकते हो, फिर चाहे लाइव स्ट्रीम पे करनी हो या चाहे रिकॉर्डिंग में करनी हो, वो मैं आपको बताता हूं। तो अब जो आवाज सुन रहे हो इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला सीन है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कुछ नहीं है। और अभी जो मैं आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूं वो विंडोज के वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैं थोड़ी देर के चुप हो जाता हूं, 2 नंबर पंखा चल रहा है और विंडो एसी है मेरे पास, विंडोज चल रहा है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज का अंदाजा हो जाएगा कितनी नॉइज ये कैप्चर कर रहा है। तो कुछ ऐसी नॉइज ये कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पे जो उसका माइक का ऑन ऑफ का बटन है ना, इसको जब माइक को टैप करते हैं तो ये लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका माइक वर्क नहीं कर रहा, और दोबारा से टैप करते हैं अब ये अनम्यूट हो चुका है। तो नॉइज को आइडेंटिफाई करने के लिए ना मैंने इसको ऑडेसिटी पर रिकॉर्ड किया था, और आप ऑडेसिटी के अंदर देख सकते हो कितनी ये बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट कर रहा है, जब मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं ना, और बहुत ही शांत कमरे में भी काफी नॉइज ये पकड़ रहा था। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको नॉइज रिडक्शन प्रोफाइल होती है आपके ऑडेसिटी में, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो नॉइज आप रिड्यूस कर सकते हो उसकी। तो अब मैं आपको एक सैंपल सुनवाता हूं जिसमें बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस कर देता हूं ऑडेसिटी से, और उसके बाद देखना आपको कितनी बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देती है। तो अब जो आप आवाज सुन रहे हो वो नॉइज रिड्यूस करके है, मतलब नॉइज रिडक्शन कर दिया पूरी ऑडेसिटी के अंदर, और अब मैं देखो चुप हो जाता हूं और बैकग्राउंड नॉइज आपको बहुत कम आएगी। तो कंडेंसर माइक है तो वॉइस क्वालिटी आपको पता लग ही रही होगी कितनी क्लियर आ रही है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको एडिटिंग करनी पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको OBS स्टूडियो पे या स्ट्रीमलैब्स OBS पे यूज करने वाले हो तो कुछ नहीं करना, ऑडियो इनपुट कैप्चर के सोर्स पे आपको नॉइज सप्रेशन फिल्टर लगा देना है, और वो भी हाई क्वालिटी वाला एक ऑप्शन आता है वो लगा देना, फिर जो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी या आप स्ट्रीम कर रहे होंगे वो बिल्कुल नॉर्मली जाएगी आपकी स्ट्रीम पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस माइक को OTG के थ्रू मैंने फोन से भी कनेक्ट किया और फोन में भी ये सपोर्ट हो गया था। अगर स्मार्टफोन पे आपको रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए या कोई भी पर्पस के लिए, आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है कुछ और आपको माइक चाहिए, तो ये आपके फोन में भी सपोर्ट हो जाएगा। वैसे मैं फोन के लिए पर्सनली 3.5 mm जैक वाला सजेस्ट करूंगा, तो उसके लिए आप एलियन माइक के लिए जा सकते हो, जो बजट में 500 रुपए का माइक आता है, बहुत बढ़िया, उसमें फोन स्टैंड भी है, फोन भी लग जाता है उसके ऊपर, उसका रिव्यू है चैनल पे, मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड, यू नो समझदार हो आप लोग। तो ये तो था इस माइक का रिव्यू, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखो जो इसका प्राइस है वो 700-800 चलता रहता है, कुछ सेल वेल आ जाए तो बात अलग है, वैसे जो नॉर्मल प्राइसिंग है वो यही है। तो उसमें आपको जैसी क्वालिटी दे रहा है भाई वो अप टू द मार्क है, मतलब अच्छी है। तो बस जो मेजर ड्रॉबैक है वो बैकग्राउंड नॉइज का है, और बैकग्राउंड नॉइज आपको एडिटिंग में ही हटानी पड़ेगी और स्ट्रीमिंग में आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। उसके अलावा ओवरऑल मैं रेकमेंड कर सकता हूं इसको, क्योंकि जिस प्राइस में ये आता है
उस प्राइस में और कोई ब्रांड ऐसा माइक प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। यूजुअली 3.5mm जैक वाले आ रहे होते हैं, यूएसबी वाला माइक नहीं मिलता आपको, और ओवरऑल लुक भी काफी बढ़िया है, गेमिंग लुक देता है आपको, टेबल पे पड़ा हुआ बहुत बढ़िया लगेगा। बाय करने वाले हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से बाय कर लेना, और कोई सजेशन देना हो या कोई क्वेरी हो या कोई चीज मैं नहीं कवर कर पाया वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आ गई हो लाइक मार दो, और पहली बार आया चैनल पे तो अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।